हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आइए शुरू करें आज के द हिंदू अखबार की मुख्य सुर्खियों का विश्लेषण। फ्रंट पेज पर अगर हम देखते हैं तो खबर है, सुप्रीम कोर्ट में कर्व एडवोकेट्स फ्रॉम स्पीकिंग ऑन केसेस। सिविल राइट्स लॉयर प्रशांत भूषण के खिलाफ सरकार और भारत के अटॉर्नी जनरल द्वारा दायर की गई अवमानना याचिका की सुनवाई के दौरान पेंडिंग केसेस और जो जज उन केसेस को हैंडल कर रहे हैं, इस पे वकीलों के विचार का प्रसारित किया जाना, इस मुद्दे पर नियंत्रण लगाए जाने की संभावना पर सुप्रीम कोर्ट ने सहमति दी है। अगर देखा जाए तो स्वतंत्रता के साथ साथ जिम्मेदारी भी होती है। ये चीज भी देखी गई है कि कुछ लॉयर्स इस प्रसारित समय को जजेस पर आक्रमण करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इनकी आचार संहिता, उनका कोड ऑफ कंडक्ट उन्हें पब्लिक में जाने की इजाजत नहीं देता है और इसी कारण सिर्फ एक ही मामले का संस्करण सुना जाता है। अगली खबर है, बेंच रिजर्व्स ऑर्डर्स ऑन साबरीमाला रिव्यू पिटीशंस। भारत के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के नेतृत्व में एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने याचिकाओं की एक श्रृंखला पर ऑर्डर रिजर्व कर दिए हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट पर पुनर्विचार की मांग कर रहे हैं, जिस जजमेंट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने केरल के साबरीमाला मंदिर में मेंस्ट्रुएटिंग औरतों की पूजा करने की पाबंदी हटा दी थी। कुल 65 याचिकाओं ने कोर्ट के इस अधिकार को चुनौती दी है कि कोर्ट सदियों पुरानी इस श्रद्धा में हस्तक्षेप नहीं कर सकते कि नैष्टिका ब्रह्मचारी, जो कि साबरीमाला के देवता को माना जाता है कि वो एक नैष्टिका ब्रह्मचारी है, जिनकी तपस्या 10 से 50 के बीच की आयु वाली महिला भक्तों द्वारा भंग नहीं की जानी चाहिए। यहां तक कि अब इस मामले में ट्रेवनकोर देवस्वम बोर्ड TDB ने भी यू टर्न ले लिया है और अब वो साबरीमाला मंदिर में मेंस्ट्रुएटिंग आयु की महिलाओं पर पाबंदी हटाने के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का समर्थन कर रहे हैं। अगली खबर है पेज 2 पे, गोल्ड फॉर ब्राइड्स कॉर्पोरेशन फॉर मुस्लिम्स इन असम बजट। दुल्हनों के लिए सोना, स्थानीय मुसलमानों के लिए एक विकास निगम और जो लड़कियां हायर सेकेंडरी की परीक्षाओं में फर्स्ट डिवीजन लेकर आती है उनके लिए ई बाइक्स, ये कुछ रियायतें हैं असम असेंबली के 1,193.4 करोड़ रुपए के बजट में, जो कि बुधवार को असम की असेंबली में प्रेजेंट किया गया था। राज्य के वित्त मंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने सारे समुदायों की दुल्हनों के लिए एक सुनहरा तोहफा घोषित किया है। ये सुविधा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उन लोगों को दी जाएगी जिनकी सालाना आय 5 लाख रुपए से नीचे है। इस स्कीम के अंतर्गत 1 तोला यानी कि 11.34 ग्राम सोना, जिसकी कीमत आज तकरीबन 38,000 रुपए है, दुल्हनों को दी जाएगी। ये स्कीम, जिसे नाम दिया गया है अरुंधति, इसके लिए 300 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं। अब आते हैं पेज 7 पे, नेटवर्क बूस्टर, भारत की नवीनतम कम्युनिकेशन सैटेलाइट जिसका नाम है GSAT-31, उसे सफलतापूर्वक बुधवार की सुबह परिक्रमा में डाल दिया गया है और इसे अंजाम देने के लिए फ्रेंच गुआना का एक यूरोपियन रॉकेट का इस्तेमाल किया गया। ये मिशन ATMs की कनेक्टिविटी बढ़ाएगा और साथ ही साथ निर्बाध अनइंटरप्टेड DTH सेवाएं सुनिश्चित करेगा। GSAT-31 भारत की 40वीं कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। GSAT-31 जिन जिन चीजों को सपोर्ट करेगा वो चीजें हैं VSAT नेटवर्क्स, टेलीविजन अपलिंक्स, DTH टेलीविजन सर्विसेज, सेल्यूलर कनेक्टिविटी और ATMs। इस कम्युनिकेशन सैटेलाइट का लिफ्ट ऑफ मास है 2,535 किलोग्राम। इसका स्पेसक्राफ्ट पावर है 4.7 किलोवाट। इस मिशन की लाइफ होगी 15 साल। इसका पेलोड है KU बैंड ट्रांसपोर्टर्स और इसके कवरेज एरियाज होंगे भारत की मुख्य भूमि और द्वीप।
आगे बढ़ते हैं। ट्राई क्लेम्स डीटीएच केबल बिट्स विल कम डाउन। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई ने ये दावा किया है कि ग्राहकों का डीटीएच और केबल के बिल अब गिरेंगे, जिसकी वजह है नए टैरिफ के मानदंड जो कि 1 फरवरी को ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर के लिए प्रभाव में आया है। ट्राई के चेयरमैन आर्य शर्मा ने ये कहा है कि दो ऑपरेटर से लिए गए डेटा के मुताबिक नए फ्रेमवर्क के अंदर मुंबई और दिल्ली में कीमतें नीचे गिरी है। औसतन ये कीमतें 10 से 15% घटी है। आते हैं पेज 11 पे। सेंटर बैन्स कश्मीर आउटफिट। केंद्र गृह मंत्रालय ने तहरीकुल मुजाहिदीन TUM को अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंतर्गत बैन कर दिया है, क्योंकि ये गुट आतंकवाद को बढ़ावा देता है और भारत में आतंकवादी गतिविधियों के लिए युवकों को भर्ती करता है। तहरीकुल मुजाहिदीन 1990 में सेटअप किया गया है और ये दावा करता है कि वो कश्मीर की आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहा है। बिजनेस पेज 13 पे अगली खबर है, गवर्नमेंट डिक्टेट में कॉस्ट प्राइवेसी इन व्हाट्सएप। व्हाट्सएप के एक प्रवक्ता ने ये बताया कि भारतीय सरकार का ये प्रस्ताव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के लिए ये अनिवार्य होगा कि वे गैर कानूनी मैसेजेस का स्रोत ट्रेस करें। ये प्रस्ताव, ये प्रपोजल बहुत ही ओवर ब्रॉड है, जिसकी वजह से व्हाट्सएप को फिर से डिजाइन करना पड़ेगा एक नए प्रोडक्ट में, जिसमें कोई गोपनीयता, कोई प्राइवेसी नहीं होगी। अब बढ़ते हैं हमारे आखिरी पेज की आखिरी खबर पे। किडनीज ग्रोन इन रैट्स कुड पेव वे फॉर ह्यूमन ट्रांसप्लांट। वैज्ञानिकों ने बुधवार को ये कहा है कि उन्होंने चूहे के स्टेम सेल्स यूज करके सफलतापूर्वक चूहे के भ्रूण में, एम्ब्रोज में, किडनीज विकसित की है। इसमें उन्होंने एक ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया है जिससे फ्यूचर में ट्रांसप्लांट के लिए मानव की किडनीज भी विकसित की जा सकेंगी। लेकिन साथ ही साथ वैज्ञानिकों ने आगाह करते हुए ये भी कहा है कि उनकी सफलता सिर्फ एक पहला कदम है, और उससे पहले कि ये तकनीक मानव के लिए यूज की जाए, उसमें कई गंभीर तकनीकी बाधाएं और जटिल नैतिक मुद्दे, कॉम्प्लेक्स एथिकल इश्यूज शामिल है। इसी के साथ हमारे आज की सुर्खियों का विश्लेषण यही समाप्त होता है।